व्हाट इज क्लास? किसी को पता है क्लास? पढ़ा होगा ना, क्लास ऑब्जेक्ट, उप्स कंसेप्ट, सुने होंगे ना, क्लास ऑब्जेक्ट, याद है किसी को? सर ऑब्जेक्ट किसी को क्रिएट नहीं करने पता का टेम्पलेट क्लास क्या होता होता है? है। ठीक है, और कोई? और कुछ? और कुछ? और बताएं, उदय चौहान आवाज आ रही है आपको? उदय चौहान? हाँ सर, आ रही है आवाज। अच्छा, आप किस कॉलेज से हैं? कॉलेज सर कौन सा विक्रांत आपका? यूनिवर्सिटी, विक्रांत यूनिवर्सिटी। अच्छा, आप किसके रेफरेंस से आए थे? सर मैं तो पुराना स्टूडेंट हूँ ना, पुराना स्टूडेंट हूँ ना पुराने सर। कब पढ़ते थे? हाँ सर, पढ़ते सर पहले मार्च वाली वेब डिजाइनिंग की क्लास ली थी मैंने। थे? अच्छा, तो रेगुलर क्यों नहीं रहते हो बैच में? सर वो पिछले वीक नहीं आया था सर, मैं आपका नाम काट दिया था सर। अभी आया था मैं, 2 दिन से आ कल रहा भी हूँ पिछली वाली क्लास में भी तुम नहीं आए? सर। आया था मैं सर, वो थोड़ा पिछली वाली नेटवर्क क्लास इशू में भी कर नहीं आए रहा थे? था, हाँ, आधी क्लास में सर स्ट्रिप हो गया था वही मैं मैं। कह रहा हूँ ना। तो वही विक्रांत से भी क्या चल रहा है? डिग्री होगी, चल रही है अभी, कंटिन्यू है? तो चल रही है फाइनल, लास्ट ईयर पेपर हो गए? है। हाँ सर, प्रैक्टिकल है अब तो। तो ठीक है, चलो फोकस कर लो, है ना? हो गया, प्रोजेक्ट चालू होने ओके वाला है नेक्स्ट वीक से। ओके सर, ठीक है, तो रेगुलर रहो। ओके, नोट जेस क्लियर नहीं होगा आगे प्रोजेक्ट में दिक्कत आएगी, ठीक है ना? ओके सर। चलो कोई ना, चलो अब आप बात करते हैं हम लोग क्लास। क्लास क्या होता है? क्लास ऑब्जेक्ट, सबने सुना होगा, ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट, क्या सुना होगा? कुछ थोड़ी पढ़ी होगी आप लोगों ने। किसी भी क्लास को कॉल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। पढ़ाई में पढ़ा, सबने सुना होगा क्लास के बारे में थोड़ा बहुत यस सर, ना? यस तो थोड़ा डिटेल में, थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्लास। थोड़ा मैं एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम आगे चल के क्लास का यूज करेंगे। तो क्लास, जैसे आज मैंने कहा कि आप लोगों को पैसे दे दिए मैंने, आप लोगों को रुपए दिए मैंने, आपको दिए मैंने 50,000, और आपसे मैंने कहा कि जाओ मार्केट से एक फोन खरीद लाओ अपने लिए। तो आप गए मार्केट में फोन लेने के लिए, आप फोन की दुकान में पहुंच जाते हो। अब आप सामने वाले से क्या कहते हो कि भाई फोन दिखाओ, कहते हो, है ना? अब सामने वाला भी आपसे क्या कहता है, सर कौन सा फोन दिखाएं? आप सामने वाले से कह रहे हो फोन दिखाओ, सामने वाला आपसे कह रहा है कौन सा फोन दिखाएं? आप सामने वाले से कह रहे हो फोन दिखाओ, सामने वाला आपसे कह रहा है कौन सा फोन दिखाएं? होता है ना ऐसा? आप सामने वाला आपसे पूछता है, आप उससे कहते हो फोन दिखाओ। आप कार के शोरूम में गए, आप कार वाले से कहते हो कार दिखाओ। बाइक लेने गए, बाइक वाले से कह रहे हो बाइक दिखाओ। टीवी लेने गए, आप टीवी वाले से कह रहे हो टीवी दिखाओ। वो छूटती करने क्वेश्चन पूछता है कि सर कौन सी टीवी, कौन सी बाइक, कौन सी कार दिखाएं आपको? हम, हमारे पास तो बहुत सारी कारें हैं, हमारे पास तो बहुत सारे फोन हैं, हमारे पास बहुत सारी बाइकें हैं। समझ आया? ऐसी क्लास होती है, आपने क्लास बना ली किसी भी नाम से। उस क्लास के अंदर उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ मेथड हैं। अब वो क्लास तब तक बेकार है जब तक उसको ऑब्जेक्ट ना कॉलो, है ना? अब जब तक आप सामने वाले से ये नहीं कहोगे भाई कि मुझे मारुति की कार दिखाओ, मुझे 800 दिखाओ, या मुझे BMW दिखाओ, या मुझे अल्टो दिखाओ, है ना, या मुझे स्विफ्ट दिखाओ, या मुझे रियलमी के फ़ोन दिखाओ, या मुझे एप्पल के फ़ोन दिखाओ, या मुझे TVS की बाइक दिखाओ। तो जब तक आप सामने वाले को ऑब्जेक्ट कॉल नहीं करोगे, क्लास कैसे कॉल हो जाएगी? जब आप ऑब्जेक्ट कॉल करते हो तभी तो क्लास कॉल होती है। अब जब आपने सामने वाले से कह दिया कि रियलमी के फ़ोन दिखाओ, तो क्या हुआ, आपने ऑब्जेक्ट कॉल कर दिया। अब वो क्या करेगा, रियलमी के फोन लाएगा और आपको उसके बारे में बताएगा कि भाई देखो ये फोन में 2 GB है, वो कहते नहीं, 64 GB फ्रंट एंड है, 108 GB बैक एंड है, इसकी इतनी बड़ी स्क्रीन है, इसमें इसकी ये बैटरी है, इसमें ये है, इसमें फलाना है, इसमें ठिकाना है। ऐसी जब कार कहते हो,
कि हमें कार दिखा दो, मारुति की सुजुकी की कार दिखा दो, तो आपको बहुत सारी कार दिखाएगा कि इस कार में ये फीचर, इसमें ये फलाना ढिकाना, दिखाता है नहीं दिखाता है। टीवी दिखाई आपने कि टीवी दिखाओ सैमसंग की, सिंपल है ना, ये तो होता है हमारे साथ मार्केट में। क्योंकि जब तक आप इसको बताओगे नहीं भाई कौन सी कार दिखाए, आपको कैसे दिखा देगा, वो तो कन्फ्यूज में रहेगा और आप भी कन्फ्यूजन में रहोगे, है ना। उसके पास तो बहुत सारा है, तो आपने कुछ ना कुछ तो सोच ही होता है ना। तो यही होती है क्लास। अब जब तक आपने ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं किया, तब तक वो क्लास के अंदर की जो प्रॉपर्टी है, क्लास के अंदर के जो एट्रीब्यूट है, वो आपको दिखाई नहीं पा रहा है, वो और बता ही नहीं पा रहा है। तो क्लास को कॉल करने के लिए, क्लास के अंदर के मेथड्स एट्रीब्यूट को कॉल करने के लिए किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट का। बिना ऑब्जेक्ट के क्लास किसी भी नाम की नहीं है। जब तक आप सामने वाले को नहीं बताओगे कि भाई हमें रियलमी का फोन चाहिए, ये वाली कार चाहिए, ये वाली बाइक चाहिए, वो आपको नहीं दिखा सकता। बताओ दिखा देगा क्या? क्यों अंकित जा, दिखा देगा क्या वो? नो सर, नहीं दिखाएगा ना। सिंपल है, कोई क्लाइंट भी आएगा, वो बोलेगा वेबसाइट बनवानी है, तो अभी तो उससे पहले पूछोगे ना कौन सी वेबसाइट बनानी है, वो बोलेगा वेबसाइट बनवानी है। आप पूछोगे ना कौन सी सर बनवानी है, कैसी बनवानी है, जब वो बोलेगा कि मुझे अपने होटल की बनवानी है, तभी तो जाके आप उसको सब समझा पाओगे सारी चीजें। जब उसने ऑब्जेक्ट कॉल किया तभी तो बता पा रहे सारे फीचर क्लास के अंदर के जो हैं। तो यही हमारा होता है क्लास ऑब्जेक्ट। अब प्रैक्टिकल समझते हैं, ठीक है। चलो अब एक बना लो फाइल क्लास डॉट एचटीएमएल के नाम से, ओके। ब्राउजर पर रन करके दिखाएंगे आपको चीजें सारी। क्लास डॉट एचटीएमएल, तो आओ आप समझते हैं क्लास कैसे बनाते हैं। तो इसके अंदर एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना सब लोग, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो लाइव सर्वर के नाम से। सब लोग एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना यहां पे क्लिक करके, लाइव सर्वर, हाँ सब लोग एक लाइव सर्वर जो है ना सब लोग उसको इंस्टॉल कर लें। सब लोग लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। कर लिया सबने? चलो आ जाओ बगल बैठे आ जाओ। चलो तो अब हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं और उस क्लास को यूज करते हैं। तो चलो आओ लिखो क्लास, लिखो बोलो एचटीएमएल का सिंटैक्स, लिख लो सिंटैक्स एचटीएमएल का, ऐसे नहीं बस लिखो, बताता हूँ। सिंपल स्क्रिप्ट लगा लो, स्क्रिप्ट चलो मत लिखो, सिंपल स्क्रिप्ट लगा लो, स्क्रिप्ट या लिख लो, चलो लेस देन वैसे लिखो, एंटर जैसे भी क्लिक कर लो। अरे बताओ इसको डाउन बताता हूँ, इसको डाउन एक्स मिनट साइन लगाओ, एक्स मिनट साइन नहीं होता, एंटर दे दो बस। ये आगे पूरा कोड एचटीएमएल का। अब हेड के टाइटल नीचे लिखो स्क्रिप्ट, टाइटल के नीचे लिख लो स्क्रिप्ट, नहीं टाइटल टैग के बाहर नीचे लिखते, भूल गए स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट कोई जावास्क्रिप्ट समझ रहे ना, मतलब स्क्रिप्ट कैसे लगाते हैं। अब बंद कर दो, बीच में आ जाओ, एंटर देके बस। अब यहाँ लिखो क्लास, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लो और टर्मिनल, टर्मिनल डालो, टर्मिनल कोई जरूरत नहीं है। चलो अब लिखो क्लास, एक क्लास बनाओ आईटीएम नाम की, या बना लो फोन नाम की, फोन नाम, फोन या रियलमी एमआई ना, एमआई नाम से एमआई, क्लास का नाम रख लो एम आई और कर्ली ब्रैकेट्स लगा लो, कर्ली ब्रैकेट्स लगा लो, कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स लगाने होते हैं क्लास में, एंटर दे दो, है ना। ये मैंने बनाई क्या, एक क्लास, ठीक है। सब लोग दिख रहा है सबको क्लास यहाँ पे,
अब आओ, अब इस क्लास के अंदर लिखो नेम, नेम इक्वल राज, राज सिंगल कोट में, सिंगल कोट में लिख दो राज, ऐसे लिख दो एज इक्वल 20, ये क्लास के हमारे एट्रीब्यूट है कुछ 20, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, अब क्लास के बाहर आ जाओ, क्लास के बाहर। अब देखो मैंने सिंपल सी क्लास बनाई, आपको दिख रहे हो कि एक एम आई नाम की सिंपल सी क्लास है ये, ठीक है, जिसके अंदर मैंने दो एट्रीब्यूट ले लिए, नेम और एज, ठीक है। एक क्लास बनाई मैंने एम आई नाम की, इसके अंदर मैंने दो एट्रीब्यूट ले लिए, नेम और एज, क्लास, आपको दिख रही होगी। अब इस क्लास को कॉल कैसे करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना के, और जिस नाम से क्लास बनाओगे उसी नाम से आप क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। तो चलो लिखो यहां पे लिखो, जब लिखो लेट लेट ए ए, थोड़ा सेट लिखो, सेट किसका गए, लेट को पीछे से, अरे पीछे पीछे लेफ्ट साइड, बस इक्वल इक्वल, अब लिखो न्यू, न्यू किसको शो करता है, ऑब्जेक्ट को, इस पर देखो एम आई और फंक्शन का साइन लगा दो, एम आई और फंक्शन का साइन, बस। अब यहां पे न्यू किसको शो कर रहा होता है, क्लास के ऑब्जेक्ट को, जिस नाम से हम क्लास बनाते हैं उसी नाम से हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू लिखा है वो ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है। अब जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा तो ये सीधा कहां जाएगा, क्लास के अंदर जाएगा, और जो भी क्लास के अंदर होगा वो उस ऑब्जेक्ट के पास आ जाएगा, ठीक है। जो भी क्लास के अंदर हो गया एट्रीब्यूट इस ऑब्जेक्ट के पास आ जाएंगे, एम आई के पास, और जो इस एम आई के पास आएंगे उसको हमने किस में स्टोर कर लिया, लेट के अंदर, दिख रहा है ना आपको, लिखा हुआ लेट, लेट ए, उसके अंदर हमने क्या कर लिया, उसको स्टोर कर लिया। अब नीचे देखो डॉक्यूमेंट डॉट एंटर देखे लिखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट राइट लिखो, उसके अंदर ए डॉट नेम, ए डॉट नेम, ठीक है। अब थोड़ा खिसका लो, तेर वो कर लो, फॉर्मेट से कर लो, फॉर्मेट राइट क्लिक करो, फॉर्मेट अपना सी हो जाएगा, फॉर्मेट कर लो, हुआ तो ना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, बात सही हो गया अपने। चलो अब जाकर रन करो, इस पर क्लिक करो, लाइव नीचे नीचे आ रहा है गो लाइव, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, या गो लाइव पे क्लिक कर दो। अब देखो चल जाएगा ब्राउजर पे, मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई एम आई नाम की, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट बनाए, इस क्लास को कॉल करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का। अभी चलेगा ब्राउजर पे अपने आप, चल गया सर, क्लिक करो उस पर, चल गया देखो राज, सबको दिख रहा है राज आ गया देखो ब्राउजर पे। चलो आ जाओ वेबसाइट में आ जाओ, और वैसे डायरेक्ट चलाना चाहो तो डायरेक्ट कैसे चलाओगे, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक स्क्रीन पर, राइट क्लिक करो, नीचे आता है ओपन इन, वो आता है नीचे नीचे, थोड़ा ऊपर से करो ने तो आने क्यों नहीं आ रहा, अब तो बंद नहीं किया होगा इसलिए नहीं आ रहा होगा। चलो चल गया बाकी लोगों का, चला के सब देखो लीजिए फटाफट, यार देखो ओपन मिल लाइव सर्वर, इस पर भी क्लिक करोगे तब डायरेक्ट चल जाएगा, इस पर क्लिक करो ओपन मिल लाइव सर्वर तो डायरेक्ट वही फाइल खुलेगी, देखो डायरेक्ट वही वाली फाइल खुली, अगर राइट क्लिक करोगे ओपन मिल लाइव सर्वर कर दोगे तो डायरेक्ट वही वाली फाइल खुल जाती है, ये दिखा दो इनको, चल गया सबका। इतना क्लास बना लो, क्लास को कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट बना के, आवाज कट रही तुम्हारी, क्या आवाज से कट के आ रही तुम्हारी, अरे आवाज आवाज सही नहीं आ रही है,
आवाज कट के आ रही तुम्हारी, क्या कह रहे हैं बताओ। चैट में लिख के भेज देगा सर। मैं ये बोल रहा हूँ सर, ये आपने क्लास एमआई लिखा है, इसको क्लास की जगह अपन डॉट एमआई भी तो लिख सकते हैं ना, डॉट लगा के भी तो क्लास कॉल हो जाती है। ये क्लास आपने लिखा क्लास एमआई, क्लास डाल दो। हाँ हाँ चलो, क्लास आपने क्लास में डॉट लगा दो। हाँ तो कॉल हो जाएगी ना, यही पूछ रहा था। हाँ डॉट हटा दो, नहीं हो रही। मैंने तो किया नहीं है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसा। नहीं आ रही हो सर, हटाओ, क्लास हटा दो, क्लास अब क्लास के वही डॉट लगा दो। कहाँ हो रहा है, एरर दे रहा है? नहीं आएगा सर। कहाँ था, क्लास ही दिखना होता है, क्लास ही तो पढ़ रहे हैं अपन, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अपन, डिजाइन ही नहीं पढ़ रहे हैं। ओके ओके सर, कंफ्यूज हो गया था। हाँ डिजाइनिंग में कंफ्यूज हो गए तुम, डिजाइनिंग समझ रहे हो। हाँ सबको चल गई क्लास, बाकी लोग क्लास चल गई, इतने क्लास को कैसे कॉल करते हैं, क्लियर हो गया सबको अच्छे से? यस सर। अब देखो ये सिंपल सी क्लास थी, क्लास के अंदर मैंने बनाया कुछ एट्रीब्यूट, अब मैं बनाने जा रहा हूँ क्लास के अंदर क्या, एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर सुना आप लोगों ने? कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑटोमेटिक कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर क्या है, एक मैजिक फंक्शन है, वो ऑटोमेटिक कॉल होता है, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे देखो, पहले मैं कंस्ट्रक्टर से पहले आपको एक सिंपल सा मेथड बना के दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कंस्ट्रक्टर। तो क्लास के अंदर हमने क्या किए, एट्रीब्यूट बना लिए। अब मैं इस क्लास के अंदर एक बनाता हूँ मेथड, ठीक है? तो आओ नीचे आओ, लाइन नंबर 12 के नीचे, अरे लाइन नंबर 12 के नीचे, क्लास के अंदर तो सारा काम होगा ना। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो हेलो, एक लिखो आई टी, ऐसे लिखो यहाँ पे आई टी एम नाम का फंक्शन मेथड। अब क्लास के अंदर हम क्या बोलते हैं, इसको फंक्शन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मेथड, पर इतना फंक्शन हमने तो इसको मेथड हो जाता है। अब कर्ली ब्रैकेट लगा दो, बारह के एंटर दो, लिखो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, लिख दो हेलो आई टी एम। अब देखो मैंने कहा था ना क्लास के अंदर हम एट्रीब्यूट बना सकते हैं, सिंगल कोड में लिख दो हेलो आई टी एम, और क्लास के अंदर हम मेथड भी बना सकते हैं, इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्लास के अंदर मेथड। क्यों, क्योंकि ये क्लास से कॉल होगा, फंक्शन क्या होते थे हमारे, डायरेक्ट कॉल होते थे, याद है? फंक्शन हम डायरेक्ट कॉल कर लेते थे, मगर ये किससे कॉल होंगे, ये क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल होंगे फंक्शन मेथड जी, ठीक है ना? कैसे कॉल होगा ये फंक्शन मेथड जी, लाइन नंबर 19 पे आओ, इसको कमेंट कर लो अभी 19 वाले लाइन को। अब नीचे लिखो ए डॉट, लिखो नीचे ए डॉट आई टी एम और फंक्शन का साइन, और फंक्शन का साइन सेव कर लो और रन कर लो, रिफ्रेश करो। क्लियर है सर, क्या कोड जाएगा क्यों भाई, क्या कष्ट पड़ गया इसको, सेव फाइल ए डॉट आई टी में लिखा है मैंने आई टी एम, अरे अपन ने कंसोल लिखा ना, कंसोल में आया होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर लो। अरे वहां के कंसोल में आया होगा, वेबसाइट के कंसोल में, अरे ब्राउजर के कंसोल में आया होगा। यहाँ पे अलर्ट लगा दो, अलर्ट लगा दो, चलो अलर्ट लगा दो उसको हटा के। जी कंसोल लिखा ना, कंसोल डॉट लॉग, अरे कंसोल डॉट लॉग की जगह अलर्ट लिख दो, अलर्ट। यस सर, उसमें आ रहा है सर, कंसोल में आ रहा है सर, कंसोल, कंसोल में आ रहा हूँ ना, सीधे में कह रहा हूँ, सेव करो। अब चेक करके दिखा दूंगा, देखो चल गया, आ गया, देखो हेलो आई टी एम सब लोग। चलो इनको भी दिखा दो। तो ये क्या है, क्लास के अंदर ये एक मेथड है, क्या है क्लास के अंदर एक ये मेथड बना हुआ है। ये मेथड फंक्शन क्यों नहीं बोलते, फंक्शन तो हमारा डायरेक्ट कॉल होता है, अब ये मेथड है, क्यों, ये ऑब्जेक्ट से कॉल हो रहा है, ठीक है? क्लास के जो ऑब्जेक्ट बनाया है ना, ये उससे कॉल हो रहा है। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर सबको? तो नोट करके चला लो सब लोग जल्दी से।
ऐसे में एक फंक्शन एक मेथड और बना सकते हैं, एक बना लेना आर जेड एम आई टी एस के नाम से। ऐसे हम एक क्लास के अंदर कई सारे मेथड्स बना सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा के डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देना इसको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देना, कुछ भी लिख दो उसके अंदर, हेलो एम आई टी एस। और इसको भी कॉल कर लो, नीचे नीचे कॉल तो करो पहले इसको, फंक्शन को कॉल नहीं करोगे? अरे कोड में जाओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, इसको बंद कर लो पहले ए डॉट आई टी एम को, ये नीचे कॉल करो एम आई टी एस को। यस सर, हो गया, बाकी लोग चेक कर लेना इसे ना। कर लिए, यस। अब देखो हम इसमें और भी काम कर सकते हैं, देखो हम इसमें और भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या किया, एम आई टी एस में लिखो, एम आई टी एस में लिखो 5.6 अंदर नीचे 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 लाइन नंबर 24 में फंक्शन पढ़ाए थे ना आपको 5.6, ऊपर चलो एम आई टी एस के अंदर ए कॉम बी लिखो उसमें पहले, उसमें अंदर एम आई टी एस फंक्शन को साइन के अंदर ए कॉम बी, और उसमें लिख दो डॉक्यूमेंट में ए प्लस बी, ये सब हटा के स्ट्रिंग हटा के ए प्लस बी, ठीक है। चेक कर लो, रिफ्रेश करके देखो आगे 11 है ना, पढ़ चुके ना फंक्शन रिटर्न वैल्यू आर्गुमेंट पैरामीटर। यस सर। अब देखो यहाँ, अब यहाँ और समझाता हूँ, मेथड जो जो मेथड होते हैं ना क्लास के, जो मेथड होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, वो समझ दो इससे आपको समझा। क्लास के मेथड पहला होता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो अपन पढ़ने वाले होंगे। दूसरा होता है प्रोटोटाइप, जो आपने अभी देखा ये बनाया ना आपने आई टी एम एम आई टी एस, ये हमारे प्रोटोटाइप मेथड, लिख देना कमेंट में बगल में उसके, प्रोटोटाइप कमेंट में लिख लो, आईटीएम के बगल में कहीं, आईटीएम के बगल में कहीं लिख लो, ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ही पीछे लिख दो, पीछे कमेंट लगा के डबल स्लैश लगा के, अरे उसको बंद मत करो, पीछे लिख लो कमेंट में, यहीं ऊपर लिख लो, ऊपर चलो यहीं बगल में लिख लो कमेंट लगा के, बस याद रहेगा कि ये क्लास के अंदर जो मेथड होते हैं प्रोटोटाइप। और एक मेथड होता है लास्ट स्टैटिक, तीन टाइप के मेथड होते हैं क्लास के अंदर, याद रखना, एक कंस्ट्रक्टर, एक प्रोटोटाइप और एक स्टैटिक। तो अभी हमने आपको दिखाया प्रोटोटाइप, जिसको हमें कॉल करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है इसको, हमें कॉल करना पड़ रहा है किससे, ऑब्जेक्ट से, तब जाके ये वाला मेथड हमारा चलता है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर, क्या कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना पड़ता है कि वो ऑटोमेटिक ही कॉल होता है, ठीक है। तो चलो आ जाओ लाइन नंबर 13 पे आ जाओ, ऊपर ही आ जाओ उसकी, हाँ इस पे देख लीजिए, लिखो यहाँ पे, चलो लिखो कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर को खुद ही आ गए वो, एंटर दे दो, हाँ स्पेस दे के लिखो फंक्शन का साइन और कर ली वगैरह, फंक्शन का साइन तो लगा दो और कंस्ट्रक्टर के बगल में कहाँ लगा रहे हो, फंक्शन का साइन उसके बाद कर ली वगैरह। अब इसमें लिख दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हेलो कंस्ट्रक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हेलो कंस्ट्रक्टर, थोड़ा जूमिंग कम कर लो, तो अपने कंट्रोल माइनस कर लो, कंट्रोल माइनस करना, हाँ और माइनस को, बस 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 ठीक है ना, ठीक है। लिखो उसके अंदर फंक्शन का साइन लिख दो सिंगल कोट में हेलो कंस्ट्रक्टर। अब देखो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सेव करो, जाके चेक करो ब्राउज़र पे। यस सर, आ गया।
अपना कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर, यस सर। बाकी लोग चला के देख लें, तो आपको दिख रहा होगा कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करने की कोई नीड नहीं पड़ी, ठीक है। अब एक लास्ट आता है हमारा जो हम आगे चल के यूज करेंगे, जो अभी हम यूज करेंगे ना प्रोजेक्ट में एक्सप्रेस के अंदर, वो हम यूज करेंगे स्टैटिक मेथड, है ना। कौन सा यूज करने वाले हैं हम लोग? स्टैटिक मेथड। वो नीचे आ लाइन नंबर 22 के नीचे आओ, लाइन नंबर 22 के नीचे। तो अभी हमें क्या करना पड़ रहा है, अभी आप समझो, अभी ये सारे मेथड किस पे डिपेंड है? ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है, क्यों सब लोग? कंस्ट्रक्टर भी कहना कि ऑब्जेक्ट पर डिपेंड है। लाइन नंबर 26 को बंद कर देना तो कंस्ट्रक्टर भी कॉल नहीं होगा। देखो देखो, इसको बंद कर लिया तो कंस्ट्रक्टर भी कॉल नहीं होगा। देखो सेव करके चेक करो, कुछ आ रहा है? जब जाकर देखो, देखो कुछ भी नहीं आया। आया तो मतलब कंस्ट्रक्टर, मेथड, एट्रीब्यूट, ये सब किस पे डिपेंड है? क्लास के ऑब्जेक्ट पे, है ना। जब ऑब्जेक्ट कॉल होगा तभी तो क्लास की प्रॉपर्टी को यूज कर पाओगे, क्लास के मेथड को यूज कर पाओगे। इतनी बात क्लियर हुई? तो इसको बंद, लाइन नंबर 29 को बंद कर दो। मगर आप जो मेथड पढ़ने वाले हो वो नहीं है डिपेंड ऑब्जेक्ट पे। देखो लिखो, स्टैटिक स्टैटिक, देखो यहां पे स्टूडेंट फंक्शन को साइन कर लिया किस, और लिखो उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हेलो स्टूडेंट। अब देखो सबको कॉल करने के लिए हमें यूज, हमें जरूरत पड़ती थी ऑब्जेक्ट की। आई मीन कंस्ट्रक्टर तक तभी चलेगा जब आपको ऑब्जेक्ट चालू होगा, है ना। आपने देख लिया होगा कंस्ट्रक्टर बंद हो गया था तो ऑब्जेक्ट भी नहीं चल रहा था। अभी कुछ नहीं आएगा, अभी कुछ नहीं आएगा, मगर हमारा स्टैटिक मेथड किसी पे डिपेंड नहीं है। हमारा जो स्टैटिक मेथड है ना वो इनमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं है ऑब्जेक्ट पे। वो किस पे डिपेंड है? क्लास पे। जो स्टैटिक मेथड वो किससे चलेगा, किससे कॉल होगा? क्लास से कॉल होगा। आओ लाइन नंबर नीचे आओ, नीचे आओ, बाहर 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 नीचे आओ, यहीं लिखो नीचे स्टूडेंट, ऊपर क्लास एम आई एम आई एम आई एम आई डॉट एम आई डॉट स्टूडेंट। देखा जी किससे, किस पे डिपेंड है स्टैटिक मेथड, किससे कॉल हो रहे हैं? फंक्शन साइन लगा दो, क्लास से। अभी तक आपने ये सुना होगा कि जो भी मेथड होते हैं वो ऑब्जेक्ट से चलते हैं, मगर स्टैटिक मेथड किस पे चलता है, किससे कॉल होता है? क्लास से। देखो हमने एमआई नाम की हमारी क्लास है ना ऊपर, उसी से हमने कॉल किया, जाके चेक करो। हो गया सर, हो गया सर। देखो आ गया, हेलो आ गया, देखो तो समझ में आए तीनों। और जो सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे ना वो स्टैटिक मेथड ही यूज करेंगे, ठीक है। जो हम सबसे ज्यादा आगे चल के यूज करने वाले हैं वो हम स्टैटिक मेथड ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ क्लास क्या होता है ना, स्टैटिक मेथड क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सब लोग बताएं? यस सर, यस सर। नोट कर लो सब लोग इतना पहले, फिर आगे चलते हैं। हो गया? यस सर, यस सर। भाई सबका नोट हो गया? चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का नोट हो गया ना इतना
चलो आप थोड़ा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, तो ये समझ में आ गए क्लास के स्टैटिक मेथड क्या होते हैं, है ना? इसको कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं सर। चलो अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है? तो एक बनाओ फाइल .html के नाम से, promise.html। हाँ प्रॉमिस की बात करते हैं। तो आपने भी किसी ने किसी को प्रॉमिस किया होगा, किया आप लोगों ने? क्यों सब लोग प्रॉमिस किए भी होंगे, तोड़े भी होंगे, है ना? क्यों सब लोग प्रॉमिस भी किए होंगे और प्रॉमिस तोड़े भी होंगे? नहीं किया, नहीं तोड़े? देखो चाहता हूं मैं समझाता हूं प्रॉमिस क्या होता है। तो मान के चलो अनुश्री, अनुश्री ने श्रद्धा को प्रॉमिस किया। अनुश्री और श्रद्धा की बहुत दिन से बात आत नहीं हो रही थी, तो अनुश्री ने कि क्या करें यार, क्या नहीं करें। तो अनुश्री ने श्रद्धा को कॉल किया, ठीक है, और कहा यार श्रद्धा यार बहुत दिन से अपन नहीं मिले, चलो मिलते हैं, ठीक है। और श्रद्धा ने कहा हाँ यार अनुश्री बहुत दिन से नहीं मिले अपन, ठीक है, सर के बर्थडे पे मिले थे पहले। तो अनुश्रद्धा ने कहा ठीक है चलो एक काम करते हैं, कल अपन या परसों संडे को अपन परम रेस्टोरेंट में चल के मिलते हैं, परम में संडे को। तो अनुश्री ने कहा ठीक है चलो संडे को मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, श्रद्धा ने अनुश्री को क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया। तो अभी जो इनकी प्रॉमिस है वो भी क्या है, पेंडिंग में है ना। तो सारे लोग अभी जो प्रॉमिस की है श्रद्धा ने अनुश्री को वो पेंडिंग में पड़ी है ना, है ना? Yes, sir. कब होगी, जब श्रद्धा और अनुश्री एक दूसरे से मिल जाएंगे तब, तब तक वो पेंडिंग ही रहेगी प्रॉमिस, ठीक है ना, तब तक वो प्रॉमिस पेंडिंग ही रहेगी। तो अब क्या हुआ, संडे संडे आया, जैसे संडे आया तो श्रद्धा का फोन गया। श्रद्धा बोली यार सॉरी अनुश्री मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, अपन एक काम करते हैं फिर कहीं मिलते हैं। अनुश्री ने कहा चलो ठीक है। तो अब ये क्या हो गया बताओ, ये क्या हुआ प्रॉमिस का, फेल हो गई, रिजेक्ट हो गई प्रॉमिस। क्यों सब लोग ये प्रॉमिस क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। अपन मना कर देते हैं ना, नहीं आज नहीं मिल पाएंगे बिजी हैं बाद में, है ना। तो नहीं कि चलो ठीक है भाई कोई बात नहीं। फिर डिसाइड किया कि दो, अभी दो काम हुए। सबसे पहले क्या था कि प्रॉमिस थी पेंडिंग में, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, श्रद्धा ने मना कर दिया तो प्रॉमिस क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। अब श्रद्धा ने कुछ दिन बाद फिर फोन किया अनुश्री को कि अनुश्री चलो आप मिल लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मिल लो संडे को। तो फिर ये दोनों संडे को एक दूसरे से मिलने चले गए, मिल के बढ़िया बैठे, कोल्ड ड्रिंक उन्होंने पी, चाउमिन खाया, है ना, कोल्ड कॉफी पी, और फिर चले गए अपने। तो फिर वो क्या हुआ, प्रॉमिस क्या हो गई, फुलफिल हो गई। जब दोनों एक दूसरे से मिल लिए तो प्रॉमिस क्या हुई, वो फुलफिल, हाँ ना? यस सर। प्रॉमिस क्या होगी पूरी, वो फुलफिल होगी ना। तो प्रॉमिस के अंदर दो काम हो रहे हैं स्पेशली देखे जाए तो, एक तो प्रॉमिस रिजेक्ट होती है, एक प्रॉमिस फुलफिल होती है। प्रॉमिस के अंदर यही दो मेथड हैं, एक फुलफिल और एक रिजेक्ट, यही दो कॉल बैक फंक्शन होंगे, फुलफिल और रिजेक्ट। जो प्रॉमिस होगा ना वो हमें दो मेथड देता है, दो कॉल बैक फंक्शन देता है बना के फ्री डिफाइन, एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट। कौन कौन से देगा, प्रॉमिस हमें दो ही चीज रिटर्न करेगा। आप ये मांगे चलो प्रॉमिस जो है ना वो हमें दो ही चीज रिटर्न करता है, एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट। अब इन दो मेथड को, इन दो फंक्शन को कॉल करने के लिए, है ना, कॉल करने के लिए प्रॉमिस ने बाय डिफॉल्ट हमें दो फंक्शन दिए बना के, एक देन और एक कैच। जो रिजॉल्व और रिजेक्ट है ना, जो एक मेथड है, इनका नाम आप कुछ भी रख सकते हो,
फिर सुनो, प्रॉमिस दो ही चीज रिटर्न करता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट, ठीक है। अब इन दोनों को कॉल करने के लिए हमें दो प्री डिफाइंड कॉल बैक फंक्शन मिले हैं, किन को कॉल करने के लिए, रिजॉल्व और रिजेक्ट को। और दो फंक्शन कौन से मिले हैं प्री डिफाइंड, है ना, एक मिला है देन और एक मिला है कैच। अगर कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो देन चलेगा, और अगर कंडीशन रिजेक्ट हो जाएगी तो कैच चलेगा। कैच तो आप पढ़ चुके ना पहले ही, कैच आप पढ़ चुके ना पहले ही, yes, sir। तो देन कैच आप ट्राई की तरह समझो, देन और कैच को आप ट्राई की तरह समझो, ट्राई और कैच। ट्राई में क्या होता है, अगर ट्राई कर लो चल गया तो ठीक है, नहीं तो कैच में एरर दे देगा वो, है ना। तो वैसे ही काम करता है प्रॉमिस। प्रॉमिस में दो ही काम होते हैं, या तो आपकी कंडीशन फुलफिल होगी या तो रिजेक्ट होगी, ठीक है, रिजॉल्व या रिजेक्ट। अगर रिजॉल्व होगी तो देन चल जाएगा, और रिजेक्ट होगी तो कैच चलेगा। मैं दो ही फंक्शन कॉल होंगे देन और कैच के, ठीक है, समझ आई बात थी। अब काम कैसे करेगा जी, आपको मैं दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा वो आप स्क्रीन पर देखें। चलो ये समझ जाओगे तो आसिंक अच्छे से समझ जाओगे, आसिंक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आसिंक अवेट और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आसिंक अवेट को आप समझ सकते हो। चलो आ जाओ, वो एरर दे रहा है वो नीचे लिख लो कमेंट में, वहां से कट करके। प्रॉमिस हमें दो ही मेथड रिटर्न करता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट, और देन और कैच भी कही है, अभी समझ आ जाएगा। आ जाओ नीचे लिखने, जो नहीं हो तो प्रैक्टिकल वैसे करा दूंगा। लिखो स्क्रिप्ट, स्टार्ट करो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट चालू करें। ये सब आना चाहिए जब आप पढ़ोगे ना, प्रोजेक्ट करोगे ना, अभी कुछ दिन बाद अगले वीक से, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए उसके अंदर, तो आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। फिर तुम्हारे सीधे सीधे प्रोजेक्ट ही चालू होने वाले हैं। हाँ तो एंटर दो, तो चलो समझते हैं कैसे काम करना है मुझे इन चीजों में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे फंक्शन, एक बनाओ फंक्शन, फंक्शन प्रो नाम का, प्रो प्रॉमिस नाम दे दो, प्रो नाम दे दो, शॉर्ट फॉर्म फंक नहीं, फंक्शन तो लिखो पहले, फंक्शन तो लिखो, स्पेस दे के प्रो, पी आर ओ एम, प्रोम कुछ ही लिख दो, पी आर ओ एम कर दो, प्रॉमिस पी आर ओ एम कर दो, बस शॉर्ट फॉर्म है तो। और फंक्शन का साइन लगाओ, कर ली बैग इसमें लिख दो कंप्लीट है, लिख दो ए, कुछ लिख दो ए, लिख दो उसके अंदर ए, फंक्शन के अंदर ए लिख दो, फंक्शन के उसमें अंदर कॉल बैक में, फंक्शन के अंदर ए, ठीक है। अब नीचे आ जाओ लाइन नंबर 13 पे आ जाओ, अब फंक्शन को कॉल कर लो प्रो नाम से, ना, और प्रो नाम से पी आर ओ एम, और उसमें लिख दो फंक्शन साइन लगा, लिख दो ट्रू, ट्रू बूलियन वैल्यू होती है ना, ट्रू फॉल्स सब लोग। तो अब ए में क्या जा रहा होगा, यहां से ए में क्या पहुंच रहा होगा, ट्रू पहुंच रहा होगा ना, क्यों सब लोग, इस ए के अंदर क्या स्टोर हो गया, ट्रू हुआ होगा ना, यहां से भेज रहे हैं ट्रू, ठीक है, बात समझ आ रही है इतनी अभी, यस सर। अभी और देखो, अभी और देखो, अभी और चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है, ये फंक्शन क्या करने वाला है, रिटर्न करेगा। आओ कर्ली ब्रैकेट के नीचे आओ, कर्ली ब्रैकेट के नीचे आ जाओ, देखो रिटर्न, अरे नहीं रिटर्न कहाँ करेगा, नीचे करेगा रिटर्न, फंक्शन के अंदर तो करेगा रिटर्न। हम क्या करेंगे, प्रॉमिस नाम को बनाएंगे एक मेथड, ऑब्जेक्ट रिटर्न न्यू, न्यू प्रॉमिस स्पेस देखिए, प्रॉमिस, प्रॉमिस फंक्शन का साइन, मेथड बना, देखो ये मेथड बना, ऑब्जेक्ट बना, देखो मेथड कुछ ही बोल लो। अब यहाँ पे लिखो फंक्शन, हमने लिखो फंक्शन बताया ना, दो कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करते हैं, तो लिखो फंक्शन और फंक्शन का साइन, उसके अंदर लिखो रिजॉल्व, रिजॉल्व कॉमा, देखो ऊपर भी दिखा रहा है, देखो रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट दिख रहा है, देखो ऊपर प्रॉमिस, ऊपर सब दिखाता है, जैसे प्रॉमिस सब क्लिक करोगे रिजेक्ट, ठीक है। अब फंक्शन के बाहर आओ और कर्ली ब्रैकेट से आके एंटर दो, यहीं से, इतने अरे अंदर से बीच में
बीच में यहीं से, हाँ यहीं से एंटर दे दो बस, कहाँ दी, अरे कर्ली ब्रैकेट लगाना होता है, वहीं पहुंचो उसको लेके, ऑब्जेक्ट बनेगा ना ऑब्जेक्ट, एंटर दो, कर्ली ब्रैकेट लगा के एंटर दो ना यहीं से, अब जो ऑब्जेक्ट बन गया ना, लिखा नहीं न्यू प्रॉमिस नाम का बनाया ऑब्जेक्ट, अब वो क्या कर रहा है, फंक्शन के अंदर दो कॉल रिटर्न कर रहा है, रिजॉल्व और रिजेक्ट, बताया था ना। अब क्या होगा, लाइन नंबर बाद, देखो लाइन नंबर 16 पे आपने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, अब जब आपने फंक्शन को कॉल किया तो अब लाइन नंबर 10 पे क्या चला गया, प्रो ए के अंदर ट्रू चला गया होगा, अब वो क्या करेगा, इस ट्रू को रिटर्न करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इफ कंडीशन लगा देता हूं, लिखो इसके अंदर इफ फंक्शन का साइन, लिखो उसके अंदर ए और उसके बाहर कर्ली ब्रैकेट लगाओ, बाहर उसके कर्ली ब्रैकेट लगाओ, एंटर दो और लिखो उसके अंदर रिजॉल्व, रिजॉल्व और फंक्शन का साइन, लिखो उसके अंदर आई एम सक्सेसफुली, सिंगल कोट में आई एम सक्सेसफुली, और एल्स में लिख दो, एल्स में लिखो लाइन नंबर 14 पे, लाइन नंबर हाँ एल्स लगा कर्ली ब्रैकेट्स लगा के, लाइन नंबर 14 बगल लगाया करो, एल्स 14 बगल से लगाया चालू किया करो, एल्स एल्स 14 के बगल में चालू किया करो, एल्स कर्ली ब्रैकेट्स और लिखो इसके अंदर रिजेक्ट, आई एम फेल्ड, आई एम फेल्ड, आई एम फेल्ड, बस ठीक है चलो। तो थोड़ा ऊपर करो प्रोग्राम को, लेकर और ऊपर करो थोड़ा प्रोग्राम को। अब देखो सब लोग यहाँ पे लाइन नंबर 21 से फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है आप सुनना, लाइन नंबर 21 से फंक्शन कॉल हुआ, क्या भेजा मैंने कॉलिंग के टाइम पे, ट्रू भेजा, ए में जाके ट्रू स्टोर हो गया लाइन नंबर 10 पे, हो गया ए में जाके ट्रू स्टोर, फिर रिटर्न हुआ, रिटर्न हुआ तो इफ के अंदर ए में क्या आ रहा है, ट्रू, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई ना, तो क्या प्रिंट होगा, रिजॉल्व हो गया, कंडीशन ट्रू हो गई तो रिजॉल्व में क्या प्रिंट होगा, आई एम सक्सेसफुली। अगर मैं नीचे से भेजता फॉल्स तो एल्स में जाता रिटर्न, एल्स में जाता ना, अब क्या प्रिंट करता, आई एम फेल्ड, करता नहीं करता सब लोग, yes, sir. इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आपको जी पता yes, होगा कि जब फंक्शन को हम रिटर्न करते थे तो वापस से कहां लौट के आता है, वो 21 पे आएगा कि नहीं आएगा लौट के, बताओ। yes, जब sir. आप फंक्शन को रिटर्न कराते हो तो वापस से किसके पास आता है, जहां से आपने उसको कॉल किया था वहीं तो आएगा लौट के, इसी के पास तो आएगा, किसके पास, फिर हम क्या करते थे फंक्शन में, फिर हम एक वेरिएबल में, एक वेरिएबल के अंदर रखते थे और फिर इसको प्रिंट कराते थे, याद है, याद है कि नहीं याद है, हाँ ना, तो बोला करो भाई, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू पढ़ी होगी आपने, याद नहीं क्या, बताओ भैया, हाँ ना, तो बोलो फंक्शन रिटर्न, सब लोग बैठ में है कि नहीं आप लोग, फंक्शन के ही नहीं कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्या फायदा आती मेहनत कराने से। जो आपको दिख रहा है ये फंक्शन बना हुआ है, ये भी रिटर्न कर रहा है, मगर रिटर्न क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस, ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस। आपको पता है कि प्रॉमिस के अंदर दो ही चीज चलती है, रिजॉल्व और रिजेक्ट, तो रिटर्न होकर वापस से कहां आया होगा, 21 के पास। तो जो नॉर्मल फंक्शन होता था उसमें हम क्या करते थे, देखो ना आगे लगा देना लेट ए, लेट बी लगा देना आगे इसके, 21 पे लेट बी इक्वल ऐसे लगा दो, लेट बी इक्वल ऐसे करते थे कुछ, और नीचे डॉक्यूमेंट डॉट कर लेते थे, याद है सबको, यस सर, याद होगा है ना, मगर यहां ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां तो प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, यहां रिटर्न होकर इसके पास आएगा मगर आउटपुट इससे नहीं आएगा, आउटपुट इससे थ्रू आएगा लेट बी से, क्योंकि ये प्रॉमिस है। और मैंने आपको पहले क्या बोला, प्रॉमिस दो ही मेथड रिटर्न करता है, एक रिजॉल्व और रिजेक्ट, जो दिख रहा है ना लाइन नंबर 13 पे, लाइन नंबर 16 पे, ये मेथड है रिजॉल्व और रिजेक्ट। अब ये रिजॉल्व और रिजेक्ट कॉल कैसे होंगे, तो मैंने आपको बताया था ना,
प्रॉमिस हमें दो कॉल बैक फंक्शन देता है, एक देन और एक कैच। रिजॉल्व और रिजेक्ट कॉल करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, देन और कैच का। और जो मैं लिखे ना रिजॉल्व और रिजेक्ट, इनकी वजह से आप कुछ भी लिख सकते हो, आर लिख लो, एस लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जो तो नाम दे दिया अपने रिजॉल्व और रिजेक्ट, इस आपको समझ में आ सके। इनकी वजह से आप कुछ भी अभी दिखा दूंगा, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। तो लाइन नंबर 21 पे आओ, ये हटा देना लेट बी, लेट बी हटा दो। तो अपन ने यहाँ पे लिखा डॉट, ट्रू के बाद लिखो ट्रू के बाद, ट्रू के बाद लिखो ट्रू के बाद, बाहर ब्रैकेट के बाहर, ट्रू के बाद लास्ट में डॉट देन, बाहर 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 डॉट देन, देन लिखो देन, है ना। और फंक्शन का साइन लगाओ। अब ये क्या करेगा, अब इसके अंदर लगाना पड़ेगा एक एरो फंक्शन, देखो आ रहा है, लगाओ उसको अंदर एक एक एरो फंक्शन लगाओ, एरो फंक्शन। अरे एरो फंक्शन, पहले एरो फंक्शन बनाओ, तो फंक्शन का साइन लगाओ, फिर करली ब्रैकेट लगाओ, फंक्शन का साइन, फिर लगाओ एरो फंक्शन बाहर उसके, हाँ, फिर करली ब्रैकेट लगा एंटर दो, हाँ। अब उसमें लिख दो रिजल्ट, जो आपने एरो फंक्शन बनाया ना उसके, अरे एरो फंक्शन में लिखो तो पहले जाके ब्रैकेट का साइन लिखा हुआ, उसमें लिखो रिजल्ट, कुछ भी लिख सकते हैं अपन, रिजल्ट। और नीचे लिखो आगे कंसोल डॉट लॉग में, लिखो नीचे लिखो कंसोल डॉट लॉग में रिजल्ट, कंसोल डॉट लॉग में लिखो रिजल्ट, रिजल्ट। और ऐसे नीचे लिखो लाइन नंबर 23 पे डॉट कैच, डॉट कैच फंक्शन का साइन, उसमें लिखो एरर, कोई एरो फंक्शन बना के, एरो फंक्शन बना के, एरो फंक्शन आ गया, यहाँ लिखो एरर, हाँ ऐसे लगा दो, कर लिया एंटर दो, उसमें लिखो एरर और कर लिया के साथ एंटर दे दो, पहले उसमें एरर तो लिख लो, हाँ लिखो कंसोल डॉट लॉग में एरर। अब वो सिग्नल कोड क्यों लगा रहे हो उसमें, रिजल्ट पे, रिजल्ट में सिग्नल कोड सुन आएगा, सिंपल रहेगा। और लिखो कंसोल डॉट लॉग में रिजल्ट, एरर लिख दो, हाँ बस, एरर 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 आएगी ना। अब देखो, अब हमने देन कैच क्यों लगाया जानते हो, क्योंकि प्रॉमिस है और हमें पता है कि प्रॉमिस हमें दो चीज रिटर्न करता है, देन और कैच। तो ये रिजॉल्व और रिजेक्ट है ना, जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो ये रिजॉल्व वाला मेथड चलेगा, ठीक है। और ये कॉल किससे होगा, देन से, ये लिखा है ना देन, नीचे देन देन, और देन में लिखा है रिजल्ट। तो रिजल्ट के अंदर क्या क्या स्टोर हो जाएगा, आई एम सक्सेसफुली, आप यहां पे कुछ भी लिख सकते हो, रिजल्ट आर ई बी सी डी कुछ भी, ठीक है, इसमें आके स्टोर हो जाएगा, कंसोल प्रिंट करा देंगे। और अगर एरर आती है तो वो कैच में चला जाएगा, सेव करके चेक करो। ओके सर, देखो यार कंसोल में, कंसोल में चेक करो, कंसोल में कंसोल तो करो, स्पेक्ट एलिमेंट करो, कंसोल में आ गया, देखो देखो आ रहा है, देखो आई एम सक्सेसफुली, सबको दिख रहा है कंसोल में, यस सर। अब एक काम करना, अब एक काम करो, उसको फॉल्स कर देना, जो कॉल बैक करो, जो कॉल कर रहा है ना, ये ट्रू के फॉल्स कर दो उसको, ये नीचे 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 ये ट्रू जहां से भेज रहे हो, लाइन नंबर 21 से यहीं से तो जा रहा है सब कुछ, सेव कर दो। आई एम फेल्ड आ रहा सर, देखो आगे आई एम फेल्ड दिख रहा है आप लोगों को, क्या हो रहा है, प्रॉमिस रिटर्न हो रही है, जा बात बात बात, कोड दिखा उनको, समझ में आया था ना कैसे काम कर रहा है अभी इतना पार्ट, अभी सब लोग एक बार ट्राई करना, अभी पूरा हुआ नहीं है। Yes,